हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आया हूँ सफदरजंग इंकलैब दिल्ली में। तो आज मैं बहुत ज़बरदस्त गाड़ी लेकर आया हूँ, एक नंबर की। पहली बार गाड़ी पकड़ी है, इनोवा क्रेस्टा ऑटोमेटिक, फुल्ली न्यू फीचर वाली। आपको अंदर से फीचर भी दिखाऊँगा और इनोवा क्रेस्टा कैसी है। ये है इनोवा क्रेस्टा पूरी गाड़ी, ठीक है। ये है इनोवा क्रेस्टा, ठीक, यही है ना गाड़ी, इनोवा क्रेस्टा। तो इसका मैं पूरा अंदर से रिव्यू कराऊंगा आपको और दिखाता हूँ कितनी मस्त है और अच्छी है। फीचर भी बढ़िया है, ज़बरदस्त है फीचर। तो चलिए हम आपको रिव्यू कराते हैं पूरे इनोवा क्रेस्टा की गाड़ी का। तो चलिए अंदर जी। ये है इनोवा क्रेस्टा, ये हमने लॉक खोला, हम अंदर एंट्री करने लगे। एंट्री हो गई हमारी अंदर इनोवा क्रेस्टा में। ये इनोवा क्रेस्टा है, ये हैंड ब्रेक है इसमें, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स हैंड ब्रेक नहीं है इसमें, नॉर्मल है। बाकी की पी पे कर देंगे फिर भी अपने ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स वो लग जाएगी हैंड ब्रेक। ये रिवर्स न्यूट्रल, और ये है डी माने ड्राइव करना और एस माने स्पोर्ट्स मोड। तो स्पोर्ट्स मोड पे कर देंगे तो हमारी कुछ ज़्यादा ही कैपेसिटी हो जाएगी गाड़ी की चलने की, ठीक है। बाकी के इसके ये एयर निकालने के लिए है, एसी वगैरह है। इसके फ्यूचर खैर मेरे को इतना मालूम नहीं है, बस गाड़ी चला ली है, पहली बार गाड़ी चलाई है। तो इनोवा गाड़ी पहली बार पकड़ी है हाथ में, तो नई फीचर इतने मालूम है। बाकी के काफ़ी लंबी चौड़ी है पूरी, सेवन सीटर है, आप देख सकते हैं पूरा पीछे। यह है पूरी सेवन सीटर, ठीक, ये गाड़ी है पूरी लग्जरी गाड़ी है, ठीक है। लेकिन एक बात है इसमें दोस्तों, इसमें एक ज़रूरी बात है, अगर इसमें गाड़ी में हम बैठ के चला रहे हैं तो हमारे सामने से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है कुछ मालूम नहीं पड़ता, अंदाज इतना नहीं है। और थोड़ा झिझक रहा था चलाने में, लेकिन थोड़ी देर बाद सब अंदाज पड़ गया। वो कहते नहीं है स्टीयरिंग पे बैठेंगे जब सब कुछ मालूम पड़ जाता है, जब तक स्टीयरिंग पे हम नहीं बैठेंगे किसी गाड़ी में जब तक हमें कुछ नहीं मालूम पड़ता, हम डरते रहते हैं। तो डरना बिल्कुल नहीं है, जब भी कोई अपनी गाड़ी चलाएं, किसी की भी गाड़ी हो, डरना नहीं है, बेझिझक हो के चलाएं गाड़ी। और जब आप स्टीयरिंग पे बैठेंगे अपनी सीट एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से, आगे पीछे करके शीशे जो मिरर होते हैं इधर उधर के दाएं बाएं के, उसको भी आप सेट कर लें, और उस फ्रंट का शीशा होता है वो भी सेट कर लें, उसके बाद में गाड़ी चलाएं। और अपना जब कॉन्फिडेंस हो कि मैं अब गाड़ी चला लूँगा, जब ये स्टीयरिंग पे बैठना, क्योंकि गाड़ी घोड़ा किसी के सगे नहीं होते, आग बिजली पानी हवा ये किसी के सगे नहीं होते, हमेशा सुरक्षित चलें और हिसाब से चलें, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और हाँ, इसमें जो सीट ड्राइवर की आगे पीछे करने की है वो मैनुअली नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो भी आपको दिखाते हैं सीट कहाँ से होती है। शायद आपने क्रेटा टर्बो में देखी हो, मैंने जो बनाई थी वीडियो क्रेटा टर्बो के, उसमें सीट आगे पीछे करने की थी, इलेक्ट्रॉनिक सीट थी, वो अभी आपको दिखाता हूँ कैसी है। ये होती है सीट, इसको अगर हम लेफ्ट कर देंगे तो आगे हो जाएगी हमारी ये सीट, ये देखिए ये रही ये, और हम इसको पीछे कर देंगे तो पीछे जाएगी, ठीक। और इसको हम आगे करेंगे तो हमारी सीट आगे बढ़ जाएगी, ये देखिए, और पीछे करेंगे तो पीछे हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉनिक सीट है, ठीक है, और इससे कुछ नहीं है। और इसको हम नीचे करेंगे तो हमारी ये पुश नीचे हो जाएगा, और इसको हम ऊपर करेंगे तो ये ऊपर उठ जाएगी, मतलब सीट एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये हर किसी में नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक गाड़ी है। और बाकी की ये जो बटन है, ये राइट लेफ्ट जो लेफ्ट राइट का जो शीशा होता है मिरर, उसको एडजस्ट करने का है, ये सेट करने का, ठीक है। और ये शीशे जो होता है ये वाला, ये जो बाहर के लेफ्ट राइट के शीशे हैं उनको अंदर करने के लिए और बाहर करने के लिए, ठीक है, ये लॉक करने के लिए है। और ये जो हमारे खिड़की के शीशे होते हैं वो लॉक करने के लिए है। ये डोर लॉक है या डोर अनलॉक है ये वाला, और ये शीशे का है आगे का फ्रंट का, ये पीछे के डोर का शीशे का है अप डाउन करने का, ठीक है। बाकी के और कुछ नहीं है, ये तो लॉक है, ऑटोमेटिक ही हो जाता है। तो बस इतना ही है, बाकी की गाड़ी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।
ये देखिए पीछे का भी रिव्यू आपको दिखाता हूँ, ये है पीछे का पूरा रिव्यू, ठीक है, ये रहा ये गाड़ी है। तो बस ठीक है, गाड़ी तो ओके है, लेकिन चलाने में थोड़ी दिक्कत, क्योंकि पहली बार पकड़ी थी ना, इसीलिए थोड़ा हॉपलेस हो रहा था गाड़ी को देख के, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, अब इतना हॉपलेस नहीं होंगे। ये इनोवा क्रेस्टा, ओके टोयोटा की है। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के घंटे को ऑल पर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।